बाहर जाने से पहले अपने को खाना खाना है। तो किस किस को खाना है? खाना सभी को खाना है। वो भाई नहीं खाएगा, वो भाई मैं दोनों हाथों से खाऊंगा। गेट से ये मेन एंट्री है और यहाँ से जाने के बाद यहाँ आपको चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको इन होना होगा। एंट्री लेने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा आएगा आप लोगों के सामने जो कि इनक्रेडिबल है। वो क्या चार्जेस है इसके? इसके 100 rupees पर पर्सन। ओके, ये क्या करेगा, कितनी देर रखेगा? ये पूरा घुमाएगा आपको, इस गेट, इस वाले गेट से पूरा घुमा के और चरण वंदना में ड्रॉप कर दीजिएगा। नहीं, इनके अंदर एक 100 मैन तेरे को भी दिया था ना। तो किनसे? एक तो नहीं है, ब्लॉगर। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा गरीब हो गया। तो 300 ही है ना, दो जो के आपके पर्सनल नंबर पे करवा लो ना, फिर आप कर देना। अभी गरीब हो गए थे अपन, मोदी जी के भक्त बन रहे थे अपन के, डिजिटल कैश में रहना है। और फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, अपन चल रहे हैं अभी। ये मुश्किल से अपने को 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर घुमाएंगे। एंट्री गेट से लेकर चरण वंदन तक अपने को ये लास्ट स्टॉप रहेगा और संगम स्थल के वहाँ पे अपने को 2 मिनट या 4 मिनट के लिए रोक देंगे, जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हो। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, लग रहा है कि जन्नत में आ गए। जितना दूर से अच्छा लगता है उससे ज़्यादा अच्छा है ये पास से है। तो आइए जिंदगी के मजे लीजिए और स्थल की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। और कुछ ऐसा नज़ारा आने वाला है सामने अपने, जो कि दूर से बहुत ही अद्भुत लग रहा है। शिवलिंग पे अभिषेक ऑटोमेटिक चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिपलाइन भी है, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो यहाँ पे जिपलाइन है, बंजी जंपिंग है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ और नज़ारे बहुत ही अच्छे होने लग जाते हैं। जैसे ये फ्लोर आ रहा है, ये फ्लोर दूर से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो आप भी महसूस कर सकते हो। हो सकता हो कि कैमरा उतना क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हो। ये देखिए, ये संगम स्थल है, संगम स्थल के ऊपर यहाँ पे आप रुक के फोटोज क्लिक कर सकते हो, फिर ये यहाँ से थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाए। और ये संगम स्थल पर भैया उतरते हुए, ये है कुछ इस प्रकार का संगम स्थल। और संगम स्थल पे जो नजारा है वो नजारा कुछ इस प्रकार है कि यहाँ देखिए जो है, जो सब कुछ यही है, अपने को मजा आ जाएगा आप लोगों को। वो क्या नाम है आपका? विनाश। कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? 3 महीने से। अच्छा, क्या अच्छा क्या लगता है ये मूर्ति कैसी लगी है आपको? मस्त है ना। और जो नीचे का जो पार्क वार्क बना हुआ है वो कैसा है? पैसा वसूल है ना? मतलब पब्लिक को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। यहाँ पे जो फोटो सेशन हो गया था अपना, फोटो सेशन के बाद अपन यहाँ से निकल रहे हैं संगम स्थल से, तो अब अपन आगे की ओर चल रहे हैं। जो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ है उसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि उसको 360 डिग्री से किधर से भी देखो आप, लगभग आपको फेस लगभग सामने ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक्टिविटी पार्क भी है, यहाँ जिंदगी भी दी। वैसे आप बहुत अच्छे हो कैलाश जी, मिलके अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय। एक्चुअल में इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी बैटरी रिचार्ज हो चुकी है इसलिए ऐसा करना पड़ा हमको, बाकी धक्के मारने की नौबत नहीं आती। जैसे जैसे करीब आते जाते हो, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का एक छोटा प्रूफ भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये विश्वास स्वरूपम। और स्टेचू जितना आपको दूर से विशाल लगता है, पास आने पे पता चलता है कि ये उससे भी विशाल है, क्योंकि मेरा मोबाइल कैमरा एंगल ही पूरा नहीं कर पा रहा है। चरण वंदन करने के लिए आपको इस जगह पे शूज उतारने रहेंगे, जहाँ पे शूज के साथ साथ आपको सॉक्स भी उतारने रहेंगे। इस साइड से स्टेयर लेके आप ऊपर जा सकते हो चरण वंदन के लिए, कुछ ऐसा नजारा रहेगा।
बाहर का कुछ ऐसा है। और रश यहाँ पे काफी है, रश की तो कोई कमी नहीं है। भाई मेरा इमोशनल हो चुका है यहाँ पे, और चरण वंदन कर रहा है जिसके आए भी इसीलिए थे यहाँ पे। चरण वंदन के जस्ट नीचे आई क्लूजन सेंटर है, इसके अंदर आप जा सकते हो शूज के साथ भी, इसमें शूज अलाउ है। एंट्री में रिसेप्शन मिलेगा आपको ऐसा। अक्षत भैया यहाँ पर टिकट शो कर रहा है, यहाँ पर टिकट चेक हो जाएंगे आपको, टिक लगा देते हैं, उसके बाद में वो टिकट वैलिड नहीं रहेगा सेकंड टाइम। जैसे इन हो जाते हैं तो इन होने के बाद मैडम मिलेंगे आपको, तो मैडम आपको जानकारी दे रहे हैं क्या करना रहेगा मैडम जैसे इन होते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। जितना सोचा था मैंने 3D व्यू के हिसाब से उतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा। तो आई इंक्लूजन सेंटर के अंदर जैसे आप आगे चलते हो तो ARU आता है, तो यहाँ पर मैम मिलेंगे, मैम आपको इसके बारे में बताएंगे। हाँ मैम, चलिए आप अच्छा वो वीडियो आप हमको वापस दे देंगे। ओके थैंक यू। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ से 7 बजे की लास्ट क्लोजिंग टाइम होती है, तो कोई स्लोट नहीं होने के कारण अपन ऊपर तो नहीं जा पाए, लेकिन ARZone, iClusion ये सब वगैरह मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ओनली पार्क का पैसा दे दीजिए और पार्क में घूम लीजिए, इसमें अपने संगम स्थल वगैरह ये हो जाएंगे, मूर्ति वगैरह हो जाएगी, और कुछ ऐसा नज़ारा आएगा कि भाई का काम बहुत अच्छा है, भाई यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है, तो कोई भेदभाव नहीं करे और भाई लोगों के साथ भी वैसे व्यवहार करे जैसे ये मेरे भाई है तो वैसे ये भी मेरा भाई है। और ये दिल से काम करते हैं तो थोड़ा सम्मान दें इनको। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसमें अपने को अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने का मूड तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो पीछे कैसा लग रहा है, और मेरे भाई लोग कुछ ऐसे हैं कि थक चुके हैं। ये नहीं देखा, ये आर्मी मैन है, आपको याद होगा वैष्णो देवी यात्रा पे भाई था अपने साथ, और भाई ने इनकी क्या रगड़ निकाली जो आपको पता है। बाकी मुकेश भैया भी अपने साथ नए जुड़े हैं। मुकेश भैया कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मेरे जाने का मूड नहीं आ रहा, मैं ही सो रहा हूँ। वो लास्ट टाइम जो अपनी भिलवाड़ा वो चित्तौड़ वाली थी, वो उसका एक्सपीरियंस बता सकता है? उसका तो इतना था कि हम घूमने गए थे, कहीं रुके नहीं थे, कहीं रुकने का कोई काम नहीं बनता है, बस वो गाड़ी स्टार्ट की, एक पॉइंट से एक सर्कल बना के वापस आ गए घर पे। चलो तो मिलते हैं, जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली अपन बाहर आ चुके हैं और अब अपन कार के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब घर जाना है, घर जाने से पहले खाना खाना है। तो किस किस को खाना है? खाना सभी को खाना। मैं वो भाई नहीं खाएगा, ये जगह इतनी औसम है, मतलब दूर ये हाईवे यहाँ से दूर होगा मुश्किल से 2 किलोमीटर, वहाँ से ये दिखाई देती है मूर्ति, तो जितनी अच्छी वहाँ से लगती है उससे 1000 गुना पास में जाके देखो तो मजा आ जाएगा, जाने की इच्छा नहीं होगी। तो मिलते हैं, बाय बाय। जो अपने चैनल्स पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे चैनल्स को यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो, इतने अच्छे 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 वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए। तो टिकट शो करना रहेगा, बाहर जाओगे ना, ये दोगे तो ही अंदर बात यही रहेंगे रात।